संगठन के डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित ये छत्तीसगढ़ के राजगीत आप सब के बीच में प्रस्तुत हुई। और अब बारी है अतिथि देवोभव की परंपरा का निर्वहन करने की, और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ पर्यटन विभाग के सचिव माननीय श्री पी अनबलगन जी को कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करती हूँ रायपुर जिलाधीश श्री भारतीदासन जी को कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती रानू साहू जी को। राजश्री डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती रानू साहू जी से, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। आज के समापन समारोह के अध्यक्ष पर्यटन मंत्री माननीय श्री तामोदर साहू जी के स्वागत के लिए मैं पुनः निवेदन करती हूँ श्रीमती रानू साहू जी से। स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती रानी साहू जी। माननीय श्री डी एस सिंहदेव जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री गौरव कुमार सिंह। माननीय श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती रानी साहू जी। माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री गौरव सिंह जी। माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं रानू साहू जी। श्री भवंती लखा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री गौरव सिंह जी। माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती रानू साहू जी। श्री जयसिंह अग्रवाल, माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी के स्वागत के लिए श्रीमती रानू साहू जी। माननीय श्री गुरुभद्र कुमार जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री गौरव सिंह जी। माननीय श्री उमेश पटेल जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती रानू साहू जी। माननीय श्री अमरजीत भगत जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री गौरव सिंह जी। माननीय श्री विकास उपाध्याय जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री विनायक शर्मा जी, अजीम आरंग, श्री मयंक गुप्ता जी। माननीय श्री चिंतामणि महाराज जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री प्रमील वर्मा जी, पर्यटन अधिकारी। मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं विशेष कुमार जी। समस्त मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मयंक गुप्ता जी को, श्री राजेश मिश्रा जी को, श्री प्रमील वर्मा जी को, श्री आशीष मिश्रा जी को। आपसे निवेदन समस्त मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए। गौरव जी को आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री गिरीश देवांगन जी के स्वागत के लिए। और अब हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मन हवा है, वो मन आज के अतिथि मन की स्वागत करना चाहते हैं। लिस्ट लंबा है, हमन जल्दी जल्दी नाम लेबो। आप मन से निवेदन है कि शीघ्र आप मन आऊँ और उखर बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंच में उपस्थित अतिथि मन के स्वागत पर निकल के आगे निकलना हो ही। ये नाम ला हमन जल्दी जल्दी पढ़े के प्रयास करा था। सबले पहली
शारदा देवी वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, ललिता वर्मा, प्रफुल्ल वर्मा जी, नेहरू डाड़े पचेड़ा सरपंच, मैं ये नाम लेते जा रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि आप लोग शीघ्र से शीघ्र मंच के सामने से आकर सभी को, हमारे आज के अतिथियों को आप पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनके स्वागत के पश्चात आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। शारदा देवी वर्मा जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, ललिता वर्मा प्रफुल्ल जिला पंचायत सदस्य, प्रफुल्ल वर्मा अध्यक्ष व्यापारी संघ, नेहरू दारे पचेड़ा सरपंच, हेमंत कोटराने मुंगेसर सरपंच, संतोष साहू सरपंच नकपुरा, लीना वर्मा सरपंच सकरी, पद्मिनी बंदे सरपंच मुरेठी, खरगुन गायकवाड़ सरपंच सोनपैरी, मेमबाई देवांगन सरपंच जुगेसर, रूपेंद्र वर्मा सरपंच कठिया, चोवा राम वर्मा, नरेंद्र वर्मा सरपंच नरदहा, प्रेम शंकर यदु सरपंच धनसुली, रामचंद्र वर्मा जोन अध्यक्ष, मयंक तिवारी युवा अध्यक्ष कांग्रेस, चंद्रकांत वर्मा उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धरसीवा, सौरभ चंद्राकर क्रांति सेना अध्यक्ष, सौरभ चंद्रकांत चंद्राकर क्रांति सेना अध्यक्ष, स्वागत के लिए जितने भी लोग मंच के सामने आ रहे हैं उनसे निवेदन कि आप मास्क का उपयोग करें, मास्क लगाकर ही आए। अब कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम हम ले रहे हैं, वो मंच के पास आकर के अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्रीमती मालती धीवर सरपंच, श्री दिनेश ठाकुर जनपद, गाला साहू अध्यक्ष मंदिर समिति, आप श्री भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। आज ही लें, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग सफा। गांव शहर की ओर जा रहा था, घर में बैठा बाप किसानी में पसीना बहा रहा था, मगर
सिर्फ एक से नहीं होते साहब, तकदीर और तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। है उस नेता में जो मिट्टी से बना है, किसानी से पेशानी में पड़ने वाले बल को वो जानता है। कर्जा माफ कर दिया, बिजली का बिल हाफ कर दिया, राजीव गांधी न्याय योजना लाकर किसानों की चिंता को साफ कर दिया, नतीजा स्वाभिमान के, छत्तीसगढ़ सरकार सेवा जतन सरोकार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही लें, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग सफा। और इनके साथ ही अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके भी स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं श्री गौरव सिंह जी से कि माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत पुष्प गुच्छ के साथ करेंगे। हमारे बीच वरिष्ठ विधायक श्री धनेन्द्र साहू जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ विश्वेश जी से DFO कि वो उनका स्वागत करेंगे। श्री प्रदीप शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर, उनके स्वागत के लिए मैं गौरव सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। श्री रामावतार अग्रवाल जी हमारे बीच मंच में उपस्थित हैं, मैं श्री विश्वेश जी से निवेदन करता हूं कि वे उनका स्वागत करेंगे। मानस मंडली के सदस्य हैं, उनका अभिनंदन सीएम सर के हाथों होगा और इसके लिए हम निवेदन करते हैं कि मानस मंडली के सदस्य मंच के सामने उपस्थित होंगे और मानस मंडली के सदस्य यहाँ पर हैं, उनका अभिनंदन सीएम जी के हाथों, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ पर होगा तो, और साथ ही माननीय मंत्रीगण हमारे बीच में। मैं निवेदन करता हूँ मानस मंडली के सदस्यों से कि मंच के सामने आए आपका। Thank you.
एक पुस्तिका एक किताब है उसका विमोचन यहाँ पर होना है। श्री मुन्ना देवदास जी राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी सदस्यों का अभिनंदन माननीय श्री मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बजरंग मानस मंडली महातरीन मानिकपुरी हरिओम मानस मंडली चंदपुरी फार्म बाल मानस मंडली सकरी प्रज्ञा मानस मंडली नकुरा नवीन मानस मंडली केकारी तुलसी मानस मंडली चटौर जयचंडी मानस मंडली बड़गांव जय शिव मानस मंडली नरदहा बाल समाज मानस मंडली मंदिर चौध और शारदा मानस मंडली महिला मानस मंडली जरौदा के मंडली का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या शोधपरक आलेखों का विशिष्ट संग्रह संपादक है मुन्नालाल देवदास। राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक साहित्यकार ग्राम कोपरा राजेंद्र जिला दरियाबंद छत्तीसगढ़। और इस विमोचन में विशेष योगदान रहा माँ कौशल्या मंदिर विकास समिति चंदपुरी का। हम निवेदन करते हैं कि समय का ध्यान रखा जाए, इसलिए जितना शीघ्र हम जो नाम लेते जा रहे हैं उसके बाद सभी अतिथि शीघ्र यहाँ मंच के सामने पहुँचेंगे तो सुचारू रूप से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी मानस मंडलियां हैं जिनका अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है मंचस्थ अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रतीक चिन्ह जो विभिन्न जिलों से लेकर के हमारे बाइक राइडर्स आए हैं जिसमें शामिल है झंडा रामचरितमानस और कलश। ये सारी चीजें माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सौंपी जाएंगी। आप सभी से निवेदन जो ये प्रतिनिधिगण हैं वो मंच के नजदीक आ जाएं जल्द से जल्द। विभिन्न जिलों से प्रतीक चिन्ह इस विराट पर्यटन रथ और बाइक रैली के प्रतीक के रूप में लेकर आई गई है भगवान राम के पवित्र स्थलों से और इन पवित्र स्मृति चिन्ह को भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। प्रतीक चिन्ह है जो कि अलग अलग जगहों से राम वन गमन पथ के अलग अलग जगह से निशानियां लेकर आए गए हैं। ये